हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो एसएससी के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एमपीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीटीएल, सीटीओ, एनी सेक्टर, कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई फ्रेंड पोस्टेड है। बट जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कंडक्ट करवा दी, उसके थ्रू मैं आज तक किसी को ज्वाइनिंग लेते हुए नहीं देखा था। तो मेरे माइंड में हमेशा से क्यूरियोसिटी था कि इसके थ्रू ज्वाइनिंग मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो फाइनली वो मेरे माइंड का मिथ आज बस्ट हुआ। टुडे आई गॉट माई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 ज्वाइनिंग। सो यस, एंड सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा मुझे लोकेशन मिला एंड कब तक ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी जो भी डिटेल्स उसमें मुझे ज्वाइनिंग लेटर में मिला, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है मेरे लिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिकमेंड किया था अग्रवाल पब्लिकेशन का स्पेशली डिजाइन बुक फॉर एसएससी एमटीएस। तो इसके रिगार्डिंग काफी पॉजिटिव फीडबैक मुझे सुनने को मिला, बट उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि आप पर्सनली इसको रिव्यू कीजिए एंड खुद से चेक कीजिए कि ये काफी मतलब हमारे लिए यूजफुल रहेगा कि नहीं फॉर आवर एसएससी एमटीएस का प्रिपेरेशन के लिए। तो मैं ले आया हूँ आपके सामने, आपको दिख रहा होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज का, देन रीजनिंग का, एंड ये जीके एंड ये मैथ्स का। तो ये चारों बुक को मैं पर्सनली चेक किया। वैसे तो इन बुक्स में काफी सारा स्पेशलिटीज है, बट जो मुझे गो थ्रू करने के बाद, डीपली इसको एनालिसिस करने के बाद समझ में आया कि ये बुक काफी डिफरेंट है फ्रॉम अदर बुक्स, क्योंकि इसमें आपको ये स्पेशली डिजाइन बुक है फॉर एसएससी एमटीएस एंड इसमें आपको 1999 से लेकर टिल डेट तक का सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें आपका प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाएगा एंड इसी के साथ आपको ईच क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है। एंड इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो भी अपकमिंग एसएससी एमटीएस 2023 उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपके लिए इसमें दिया हुआ है। एंड बेस्ट थिंग ये बुक के बारे में ये कि ये बायलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो आपको दोनों के लिए सेपरेट बुक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें दोनों आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर इस बुक के प्राइस के बारे में हम बात करें तो प्राइस भी इन चारों बुक्स के कॉम्बो का ओनली 400 रुपीज है, जिसको कोई भी इजिली अफोर्ड कर सकता है। इसको आप एग्जाम कार्ड के वेबसाइट में डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो एंड वहां अपना कूपन कोड, मेरा कूपन कोड यूज कर लेना क्रैक एमटीएस 10, उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 300 रुपीज। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है, 360 रुपीज में आपको ये चारों बुक का कॉम्बो मिल जाएगा। तो जिसमें आप अपना प्रीवियस ईयर का सारा ही क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। ये बुक आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन कमेंट में भी आपको दिख जाएगा। तो जाओ जाके परचेज करो एंड अपने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। सो गाइस, अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। एंड वीडियो का टॉपिक तो ये था कि टुडे आई रिसीव्ड माय ज्वाइनिंग लेटर, बट प्रेजेंटली अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए मेरा ज्वाइनिंग लेटर अपने हैंड में नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं एंड जब मैं फॉर्म फिल किया था तब मैं दिल्ली में था। तो जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है वो सीधे मेरे दिल्ली वाले एड्रेस पे गया हुआ है। तो अभी मेरे पास दिखाने के लिए अभी ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं है, बट ज्वाइनिंग लेटर का फोटो है जरूर मेरे पास, जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे सेंड किया था। तो बस ये ज्वाइनिंग लेटर का मेरे पास बस फोटो है। सो यस, तो अगर मैं इस एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे टोटल कितना टाइम लग गया फॉर्म फिल से लेके ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होने तक, तो वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं एक बार। तो इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ था 24th of September 2021, मतलब आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था इसका फॉर्म फिल। देन इसका जो TA1 का एग्जाम हुआ था कंडक्ट, वो था 2nd February से लेके 10th February, जिसमें मेरा एग्जाम था 4th February को फर्स्ट शिफ्ट, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो बाकी इसका रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था 1st July 2022 को, मतलब आज से 1 साल पहले इसका TA1 का रिजल्ट पब्लिश हुआ था। देन उसके एक मंथ बाद मतलब अगस्त में हमें स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोले थे। अगर आपको पता नहीं होगा स्क्रूटनी क्या होता है, तो आप जब आप फेस 11 के भी काफी एक्सपर्ट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप जब TA1 क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं बाई पोस्ट अपने जो भी रीजन से आपने अप्लाई किया। जैसे मैंने अप्लाई किया था, मैं हूँ तो NR रीजन से, बट मैंने ER रीजन से फॉर्म फिल किया था, ER 12821 का फॉर्म फिल किया था। तो मैं NR रीजन से ER रीजन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट सेंड किया था। तो उसका रिजल्ट आया 1st week of October में इसका रिजल्ट आया था। देन हमें
डीवी के लिए रिजल्ट आया कि आपका डॉक्यूमेंट सारा सही है एंड आप डीवी के लिए आ सकते हैं, तो 15th ऑफ अक्टूबर मैं कोलकाता गया डीवी देने के लिए। डीवी का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया था, तो उसका डीवी मैंने दिया था 15th ऑफ अक्टूबर 2022 को, तो जिसका कि रिजल्ट पब्लिश हुआ दिस ईयर, मतलब मार्च 2023 में इसका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ। एंड ज्वाइनिंग मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 महीने लग गए मुझे फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होने में। एंड जो पूरा प्रोसेस जो रहा ये 2 साल, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का ये पूरा प्रोसेस रहा, तो फाइनली 2 साल के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ। तो बाकी ये क्या पोस्ट है एंड क्या सिटी मिला वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। बाकी उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। तो एक एस्पिरेंट जब तैयारी शुरू करता है तो उसके माइंड में सबसे पहला टारगेट रहता है कि सबसे पहले एक जॉब सिक्योर कर लें। ये नहीं रहता है कि सीधा 4600 लेंगे तो 4600 लेंगे, नहीं तो बेरोजगार बैठे रहेंगे, वैसा तो किसी का टारगेट नहीं रहता है। पहला रहता है कि सबसे पहले जॉब सिक्योर कर लेना है एंड अपने बेरोजगारी को दूर करना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते ही रहना है। एंड वैसे ही मैंने ही, मेरे माइंड में भी वैसा ही सब कुछ था। तो सबसे पहले मैंने टारगेट किया एक जॉब के लिए, जो कि मैंने फुलफिल किया SSC MTS 2020 से। एंड उसमें मुझे एक जॉब मिला, बट वो मिला मुझे साउथ में। तो इसके बाद फिर मैंने इसका एग्जाम दिया था SSC Phase 9 का, एंड इसमें मेरा टारगेट था कि मैं इसमें होम स्टेट ले लूँ एटलीस्ट, ताकि सेम जॉब भी रहे तो एटलीस्ट मैं घर में रह सकूँ। तो इसमें मैंने दिया एंड इसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे, मतलब डिसेंट थे, जिसकी वजह से हमें प्रेफरेंस फॉर्म मिला था सिटी चूज करने का। तो उसमें मैंने काफ़ी सारा प्रेफरेंस था, तो मैंने सीरियसली सब भरा हुआ था। बट जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था गाजियाबाद, तो इसमें मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस गाजियाबाद मिल गया, मतलब मेरा होम स्टेट यूपी है, तो मुझे गाजियाबाद मिल गया इसमें। सो यस। एंड बाकी इसमें अगर मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं, ये पोस्ट MTS का ही है, 18,000 ग्रेड पे का, 18,000 बेसिक पे एंड 1,800 ग्रेड पे, यस, तो ये उसी का ही जॉब है। तो यस, बाकी इसको मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं करूँगा ये तो अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं प्रेजेंटली अभी जो साउथ में, मतलब CGHS डिपार्टमेंट, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा मतलब माहौल लग रहा है एंड यहाँ पे वर्कलोड भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे तैयारी करने का भरपूर यहाँ पे टाइम मिल पा रहा है। तो मैं अभी डिलेमा में हूँ कि मैं अभी अपने होम स्टेट फिर से जाके स्विच करूँ कि नहीं करूँ, वही डिलेमा में हूँ। बाकी इस में मैं अभी अपना थोड़ा टाइम दूंगा एंड इसके लिए मैं अपने जो मेरा ज्वाइनिंग है इसमें 4th ऑफ अगस्त से पहले मुझे ज्वाइन करने के लिए इसमें बोला गया है ER12821 Phase 9 वाले में। तो इसमें तो प्रेजेंटली तो मैं इसमें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, बाकी इसमें ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा ये डाउट है मुझे, क्योंकि जो प्रेजेंटली जो CGHS डिपार्टमेंट है इसमें सैलरी भी ज़्यादा है एंड इसमें वर्कलोड भी बिल्कुल नहीं है एंड यहाँ के जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो यहाँ का माहौल ओवरऑल मेरे को बहुत पसंद आया। तो इसलिए नहीं तो मैं अगर कोई और डिपार्टमेंट रहता तो मैं विदाउट सेकंड थॉट अपने होम स्टेट चला जाता, बट अभी मैं अपना टाइम लूँगा, सोचूंगा एंड अगर मुझे लगेगा कि मुझे जाना चाहिए देन मैं होम स्टेट चला जाऊँगा, और एल्स आई विल स्टे हियर। बाकी यस, एंड अगर मैं ज्वाइन नहीं भी करता हूँ तो इसमें सीट वेस्ट नहीं होगा SSC Phase 9 वाले में, क्योंकि आपको पता होगा सिलेक्शन पोस्ट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें वेटिंग लिस्ट होता है। तो अगर मैं इसमें ज्वाइन नहीं भी होता हूँ तो मेरे बाद वाले जो कैंडिडेट हैं उनको मिल जाएगा सीट, तो सीट वेस्ट जाने वाला है। तो सीट वेस्टर नीचे कमेंट मत करना। इससे पहले कुछ लोग कमेंट करें सीट वेस्टर, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें मैंने टोटल 6 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, 6 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि मैंने बस एक ही का डीवी दिया, मेरे मार्क्स थे 168 मार्क्स। तो अगर मैं चाहता तो 6 का 6 पोस्ट में मैं सिलेक्शन लेके सीट वेस्ट कर सकता था, बट इसमें मैंने बस ओनली 1 पोस्ट का, यानी कि जो जिसमें अभी जिसका ज्वाइनिंग लेटर का वीडियो है बस उसी का मैंने डीवी दिया, बाकी 5 का 5 पोस्ट का डीवी मैंने स्किप कर दिया। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मेरा कोई मकसद सीट वेस्ट का नहीं था, अपना होम स्टेट जाने का था, जिसकी वजह से मैंने बस, या फिर अगर मेरा अगर इसमें नहीं होता तो मैं बाकी किसी और के डीवी में जाता, बट मुझे बस एक ही सीट से मतलब था तो मैंने बस इसी का ही डीवी दिया, बाकी 5 पोस्ट का डीवी मैंने स्किप कर दिया। बाकी MTS इसके बाद तो मैं ट्राई नहीं करूँगा, इसके बाद और जो भी मतलब सबसे पहला जॉब का टारगेट था वो मैंने फुलफिल किया, होम स्टेट का था वो मैंने फुलफिल किया, अब लेवल अपग्रेड करना है, CHSL CGL क्रैक करेंगे होम स्टेट एंड OC में, जो भी अपग्रेड करेंगे इससे ऊपर ही लेवल में अपग्रेड करने का कोशिश करेंगे। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यही था बस जो भी था, बाकी
आई होप आप भी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना। बाकी एमटीएस के बारे में कोई कुछ भी बोले, आपको वो सब माइंड में नहीं लेकर चलना है। परफेक्ट जॉब है, अगर आप अगर बेरोजगार हैं तो आपके लिए परफेक्ट जॉब है। आप इसमें रह के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, आपको इसमें सैलरी भी डिसेंट मिल जाता है। सो यस, बाकी कोई क्वेरी होगा अगर आपको सिलेक्शन पोस्ट के ज्वाइनिंग या फिर किसी भी रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट डाउन कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।